सबसे पहले आज तमाम देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। साथ ही साथ माहे रमजान आज से शुरू, तमाम मुस्लिम जो देशभक्त हैं भारत में रहने वाले उनको रमजान की मुबारकबाद। दर्शकों, आज पूरा देश नमन कर रहा बी आर अम्बेडकर, जो विश्व के छठे विद्वान हुआ करते थे। आज भारत देश उनके बनाए हुए संविधान पे चल रहा है। उन्होंने समाज को जात पात से हटाकर विकास के रास्ते पे जोड़ने का काम किया, लेकिन अभी भी समाज में जात पात, कहीं न कहीं जात पात की बेड़ियाँ समाज को बांधने में लगी हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, इंसान का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसानियत, तभी वो इंसान है। तमाम समुदाय के लोगों ने आज बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई। साथ ही साथ कई लोगों ने कहा पूरी पकवान बनाएंगे और इसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाएंगे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। वरीय शिक्षक फागू रविदास जुड़े हैं। सर, पूरा देश आज भारत रत्न को नमन कर रहा है, ऐसे में जैसा कि नंद किशोर पासवान ने कहा कि पूरी पकवान बना के त्यौहार मनाएंगे, क्या करेंगे सर आज? निश्चित हमारे जो SC ST कर्मचारी संघ के जिला सचिव ने कहे हैं उसका अमल किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन जो 14 अप्रैल है, हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया भारत सरकार की ओर से। तो इसके लिए भारत सरकार की ओर से भी आज पूरे देश में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और जितने भी दलित वर्ग हैं वह तो धूमधाम से ही मना रहे हैं। निश्चित इनके अनुयायी पर हम लोग चलेंगे और चलते आ रहे हैं। आज इन्हीं का दिन है, जो आज जो हम खुद प्रिंसिपल हैं हाईस्कूल का, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अनुयायी है। लोग कहते हैं, एक मिनट, लोग कहते हैं कि सिर्फ दलितों का मसीहा है, लेकिन ये नहीं, भारत संविधान निर्माता है। भारत जो संविधान जो बनाया गया है वह सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, अन्य वर्गों के लिए भी बनाया गया है। इसलिए ये सभी वर्गों के लिए उतने ही पूजनीय है जितने दलितों का है। आज हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 130वां। जी समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप? समाज को संदेश दे रहे हैं कि समाज अम्बेडकर साहब ने जो 3 उपदेश दिया है उस उपदेश में अमल करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तो तब तक समाज का विकास नहीं होगा, ना ही आपका किसी और का विकास। अभी भी महादलित के बच्चे कूड़ा चुनते हैं। आपने, आप महादलित समाज से हैं, कितना प्रयास किया लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए? मैंने प्रयास घर घर जाकर लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो है शिक्षित बनिए। और श्रीमान, मैं बताना चाहूँगा, मैंने नीतीश कुमार जी से लड़कर मैंने विकास मित्र का यहाँ चयन करवाया, 16 सेवक का चयन कराया, और 153 पंचायत का मैंने दौरा कर 16 सेवक का चयन कर हमने यह विश्वास दिलाया कि नीतीश जी काम कर रहे हैं, और जब तक आप काम उनसे नहीं लीजिएगा वो काम नहीं करेंगे। 130 टोला सेवक जो डोम समाज से आता है, मेहतर समाज से आता है, मांझी समाज से आता है, सभी लोग बच्चे लोगों को स्कूल ले जाने का आदर डाल रहे हैं और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। शैलेश भैया,